किसान न्यूज चैनल की अदर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन की घंटी को अवश्य बजाएं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि वर्मी कंपोस्ट किस हिसाब से बनाते हैं। इसी क्रम में हम लखीमपुर के एक प्रगतिशील किसान हैं अनु शर्मा जी, उनके पास आपको लेके चलते हैं। साथ ही साथ वो सारी विधि आपको बताएंगे कि वर्मी कंपोस्ट किस हिसाब से बनाते हैं। 8000 रुपए उसकी लागत जी सर, जी सर, और करीब इसमें 600 या 500 के बीच में ईटा प्रयुक्त होता जी, है जी 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 सर। और एक मीटर और बाई 2 मीटर का अंदर 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 गड्ढा बनाते हैं हाँ सर, इधर आ जाइए सर। ये आपका 2 मीटर हाँ 2 मीटर और 1 मीटर का चमड़ा गड्ढा बनाते हैं हाँ, और उसको जुड़ाई करके अंदर से लेसाई करवा करके जी सर, और सरकार हमको केचुए देती है वहाँ जी जी जी। ये कितने का आता है सर, कितना? ये करीब 400 रुपये प्रति केजी पड़ता है। 400 रुपये प्रति केजी पड़ता है, और ये इसमें डलवाया जाता है। फिर पहले तो हम रेता डालते हैं थोड़ी जी जी, उसके बाद गोबर अलग डाल करके थोड़ा 10-15 दिन या 1 महीने ठंडा हो जाता अच्छा, है अच्छा 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 सर, उसके बाद इसमें डालते हैं अच्छा, फिर केचुआ डाल देते हैं हाँ। फिर उस पर से और अपना घास फूस या सब्जी का जो अवशेष बचता है घर में, सब्जी काटी जाती जी, 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 फलों का अवशेष जो भी होता है वो अपना डालते रहते हैं जी सर। और उसके बाद इस पर पानी छिड़क करके और टाट पट्टी से डाल देते हैं। देख रेख में इसमें पानी का पानी हमेशा ध्यान रखें हाँ, सप्ताह में 1-2 बार पानी अपना डालते रहते हैं फव्वारे से ठीक है, टाट से बिछा करके ठीक सर। उसके बाद 3 महीने में खाद तैयार हो जाती है, और उसके बाद निकाल कर अपने खेतों में प्रयुक्त करते हैं। तो सर इससे जो इसका बर्मी जो कंपोस्ट होता है सर, किसान के लिए इसके फसल के लिए क्या बेनिफिट है सर, इससे क्या उत्पादन बढ़ता है क्या सर? वो हमारे किसान भाई हैं जो हमारे चैनल के द्वारा पूछना चाहते हैं सर, इससे क्या उत्पादन में फर्क आता है? जैसे हम रासायनिक खाद जो बोते हैं और अदर जो बर्मी कंपोस्ट लगाते हैं, उसके और उसके उत्पादन में क्या लागत में गिरावट आती है क्या सर, हमारे किसान भाइयों को बताइएगा सर। देखिए लागत की तो बाद में बात आएगी हाँ हाँ। सबसे पहले तो हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हाँ हाँ, स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य के जो विषमुक्त खेती हम कर जी रहे जी हैं जी सर, उससे आपको छुटकारा मिल जाए जी 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 सर। और रासायनिक खेती में पैसा बहुत लगता है, हमारे इसमें पैसा नाम मात्र लगता है अच्छा। अभी 700-800 रुपये जो सरकार अनुदान अपना 6000 रुपये दे, उसे हमारा 1 एकड़ इसमें छान करके केचुआ निकाल करके खाद डालते हैं ठीक, और बाकी खादें हम ठीक ठीक सर। अपना हमारे जो किसान भाई हैं अगर वो आपके संपर्क करना चाहते हैं तो सर अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिएगा और मोबाइल नंबर सर हमारे किसान भाइयों को दीजिए जी। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है, ग्राम गुठना बुजुर्ग, पोस्ट कहिमारा, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। मेरा मोबाइल नंबर 9839383 है, और इस पर किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है जी जी। अब मैं आपको देखो सर किसान भाइयों को दिखाना चाहता हूँ, इसमें ये केचुआ है सर, केचुआ ये इसमें खाद बना हुआ है, ये एकदम ये अच्छी खाद है। ये देखिए केचुए सब आपके घूम रहे हैं, ये ठीक है, ये साला ये करीब ये देखो इन्होंने दूसरे खाद में से निकाला है, 3 मंथ की हो गई है, 3 मंथ की हुई है। इसको हम छान करके अपना कोई भी फसल छान के बढ़िया करके सब्जियों में जो प्रयोग करते हैं अपने खाने के लिए, उसमें ज्यादा हम प्रयोग करते हैं इसको ठीक ठीक ठीक। सर सारे किसान भाइयों को मैं भी यही कहना चाहूंगा कि वर्मी कंपोस्ट का ज्यादातर यूज करें, ये स्वास्थ्य के लिए ज्यादातर उपयोगी है, और इससे हमारा जो रासायनिक खाद है जो स्वास्थ्य के लिए हेल्थ के लिए दुरुपयोग देती है, साथ ही साथ इसका विश्व मुक्त खेती है। तो सारे किसान भाइयों को नमस्कार, आगे और खेती के बारे में मैं समय समय पर जानकारी देता रहूँगा। तो इसी के साथ मैं किसान भाइयों को कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और ज़्यादातर शेयर करें।